अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टेक द स्टार्ट ऑफ क्लास नंबर 12। तो आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं क्लास नंबर 12 का। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे शुड हैव मॉडल वर्ब को। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप उनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, शुड हैव मॉडल वर्ब का जो यूज़ है वो बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से शुड मॉडल वर्ब का यूज़ किया जाता था। फर्क सिर्फ इतना आएगा कि शुड हैव मॉडल वर्ब शुड का पास्ट है, यानी कि उसी मकसद के लिए ये भी यूज़ हो रहा है जिस मकसद के लिए शुड यूज़ हो रहा था। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना आ जाएगा कि शुड मॉडल वर्ब को हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे थे और शुड हैव मॉडल वर्ब को हम पास्ट में यूज़ करेंगे। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो क्या है कि शुड हैव मॉडल वर्ब इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एडवाइजेबिलिटी एंड सजेशन इन द पास्ट। अब अगर हम प्रेजेंट की शुड की डेफिनेशन को देखें तो वहाँ पे ये था टू एक्सप्रेस एडवाइजेबिलिटी एंड सजेशन इन द प्रेजेंट। सिर्फ फ़र्क आ रहा है प्रेजेंट और पास्ट का, बाकी सेम एज इट इज़ जो ये डेफिनेशन है वही शुड की डेफिनेशन थी। तो मतलब कहने का ये है कि अगर हम गुजरे हुए वक्त में किसी को नसीहत करना चाहते हैं या फिर मशवरा देना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए हम शुड हैव मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब शुड मॉडल वर्ब में उर्दू जुमलों के आखिर में ना चाहिए, नहीं चाहिए, ने चाहिए वगैरह आता था, लेकिन अब शुड हैव मॉडल वर्ब में उर्दू जुमलों के आखिर में ना चाहिए था, नहीं चाहिए थी, ने चाहिए थे वगैरह आएगा, क्योंकि ये पास्ट की एडवाइजेबिलिटी और सजेशन है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर एक छोटा सा चेंज आ रहा है। वो चेंज क्या आ रहा है कि शुड के अंदर हम यूज़ करते थे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन शुड हैव मॉडल वर्ब में सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी बल्कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जो यहाँ पर चेंज आ रहा है वो मेन चेंज ये आ रहा है। ठीक है। और शुड की जगह शुड हैव आ रहा है। ओके तो चले आए हम इन सेंटेंसेस को बना के ज़रा देख लेते हैं। अब जैसे कि पहले हम कहते थे कि उसे मेहनत करनी चाहिए, तो अब जब हम इसको पास्ट में लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा उसे मेहनत करनी चाहिए थी। तो अब जब मेहनत करनी चाहिए थी आएगा तो अब ये पास्ट की एडवाइजेबिलिटी है या सजेशन है। ठीक है। तो अब उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसे मेहनत करनी चाहिए थी। अब चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, तो फर्ज करें वो लड़की है, सो वो एक लड़की की इंग्लिश क्या होती है, शी। देन शुड हैव, शी शुड हैव। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अब यहां पर वर्ब कौन सा है, मेहनत करना, तो मेहनत करना की इंग्लिश होती है वर्क हार्ड। अब वर्क हार्ड तो चूंकि फर्स्ट फॉर्म है तो अब यहां पर मैं फर्स्ट फॉर्म तो नहीं यूज करूंगा, तो इसके लिए मुझे वर्क की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, और वर्ब वर्क की थर्ड फॉर्म होती है वर्कड। सो शी शुड हैव वर्कड हार्ड, शी शुड हैव वर्कड हार्ड, उसे मेहनत करनी चाहिए थी। इसी तरह से उन्हें वक्त पर वहां पहुंचना चाहिए था। सो उन्हें, यानी कि सब्जेक्ट कौन है, उन्हें, वो ज्यादा है, सो दे। देन शुड हैव, देन वर्ब, वर्ब क्या है यहां पे, पहुंचना, पहुंचना की इंग्लिश होती है रीच या अराइव। ओके अब रीच की जो थर्ड फॉर्म है वो है रीच्ड, सो दे शुड हैव reached। अब कहां पहुंचने की बात हो रही है, वहां, there, they should have reached there, उन्हें वहां पहुंचना चाहिए था वक्त पर, on time, they should have reached there on time, उन्हें वक्त पर वहां
पहुंचना चाहिए था। इसी तरह से उसे अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए था। अब किसको सोचना चाहिए था? उसे, यानी कि वो एक लड़का भी हो सकता है, वो एक लड़की भी हो सकती है। ओके, सो फर्ज करें वो एक लड़का है, सो उसे अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए था। तो वो एक लड़का है, तो वो एक लड़का की इंग्लिश होगी ही। देन शुड हैव, ही शुड हैव, उसे चाहिए था, क्या करना चाहिए था, सोचना चाहिए था। यहां पे वर्ब क्या है? सोचना। तो सोचना की इंग्लिश होती है थिंक। सोचना की इंग्लिश क्या है? थिंक। तो अब थिंक की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थिंक थॉट थॉट। तो अब थिंक की थर्ड फॉर्म लगेगी थॉट। ही शुड हैव थॉट, उसे सोचना चाहिए था। किस बारे में? अपने मुस्तकबिल के बारे में। अबाउट, अबाउट का मतलब है बारे में, अबाउट हिज फ्यूचर। ठीक है, हिज फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल। ही शुड हैव थॉट अबाउट हिज फ्यूचर, उसे अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए था। ओके, इसी तरह आसिम को अपने भाई की मदद करनी चाहिए थी। अब यहां पर सब्जेक्ट कौन है? आसिम। देन शुड हैव, आसिम शुड हैव। वर्ब क्या है यहां पे? मदद करना, मदद करना, हेल्प। तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी हेल्प्ड। आसिम शुड हैव हेल्प्ड। किसकी मदद करनी चाहिए थी? अपने भाई की, हिज ब्रदर। आसिम शुड हैव हेल्प्ड हिज ब्रदर, आसिम को अपने भाई की मदद करनी चाहिए थी। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहां पर उर्दू जुमलों के आहर में एंड पे था, थी, थे का इजाफा हुआ, यहां पर हैव का इजाफा, और नेक्स्ट जो चेंज इंग्लिश में आया है वो हमने फर्स्ट फॉर्म की बजाय थर्ड फॉर्म यूज की है। तो बस ये दो चेंजेस हैं जो कि हमारे इन सेंटेंसेस के अंदर आए। सो आई होप सो जिस स्टूडेंट को शुड मॉडल वर्ब की समझ आ गई है उसके लिए शुड हैव मॉडल वर्ब कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसका यूज़ बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह के शुड मॉडल वर्ब का था। फ़र्क सिर्फ इतना आ रहा है कि शुड मॉडल वर्ब को हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और शुड हैव मॉडल वर्ब को हम पास्ट में यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, क्योंकि हमें ये भी तो कहना पड़ सकता है ना कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जब हम इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो वो किस तरह से बनाने, चले आए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है शुड हैव मॉडल वर्ब की नेगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बस एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, बस आपने वो पॉइंट अपने जहन में रखना है। आप उस पॉइंट को जहन में रखते हुए आप किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव आसानी से बना सकते हैं। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, अगर किसी जुमले के अंदर आपके पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो जब आपने उसका नेगेटिव बनाना है तो आपने करना यह है कि जो अभी अपना पहला हेल्पिंग वर्ब आ रहा है उसके बाद नॉट लगाना है। अब देखिए यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, शुड हैव, अब ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो अब हम शुड हैव के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, बल्कि हम देखेंगे ये कि फर्स्ट वाला हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। तो हमारा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है शुड, तो हम क्या करेंगे जब इसका नेगेटिव बनाना होगा तो हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, यानी कि शुड के बाद नॉट लगाएंगे। तो इसी तरह से अगर आपको किसी जुमले के अंदर दो या दो से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब नज़र आते हैं तो जब आप उसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो उसका नेगेटिव बनाने का सिंपल तरीका कार ये है कि आपने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, अगले एक या दो जो भी आगे वो आपके पास हेल्पिंग वर्ब बच रहे हैं उनको आपने छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर अब नेगेटिव सेंटेंसेस की क्या है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन शुड नॉट हैव, इसको शॉर्टकट में जब बोलने में यूज़ करें तो आप शुडंट हैव भी यूज़ कर सकते हैं, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि हमने एज एग्जांपल लिए, तो चले हम उनको बना के देखते हैं। सो उन्हें अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। अब किसे नहीं छोड़नी चाहिए थी, सब्जेक्ट कौन है? उन्हें। सो दे, देन
should not have. They should not have. Then verb third form. अब यहां पर verb क्या है? छोड़ना. So छोड़ना की English होती है leave. छोड़ना की English क्या है? Leave. और इसकी third form होगी left. They should not have left. क्या नहीं छोड़ना चाहिए था? अपनी नौकरी. Their job. They should not have left their job. उन्हें अपनी जॉब या अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी. इसी तरह से साजिद को अपना पैसा जाया नहीं करना चाहिए था. सो सब्जेक्ट कौन है यहां पर? साजिद. देन शुड नॉट हैव साजिद शुड नॉट हैव. वर्ब क्या है यहां पर? जाया करना. सो वेस्ट. तो वेस्ट की थर्ड फॉर्म होती है वेस्टेड. साजिद शुड नॉट हैव वेस्टेड. क्या नहीं जाया करना चाहिए था? अपना पैसा. हिज मनी. साजिद शुड नॉट हैव वेस्टेड हिज मनी. साजिद को अपना पैसा जाया नहीं करना चाहिए था. इसी तरह से आपको इस हादसे के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताना चाहिए था. सो सब्जेक्ट कौन है यहां पे? आप. यू. देन शुड नॉट हैव देन वर्ब. वर्ब क्या है यहां पे? बताना. टेल. बताना की इंग्लिश होती है टेल, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म होगी टोल्ड. यू शुड नॉट हैव टोल्ड. किसको नहीं बताना चाहिए था? यानी कि किसको नहीं बताना चाहिए था? अपने घर वालों को. अपने घर वालों को यानी कि योर फैमिली. किस बारे में? इस हादसे के बारे में. अबाउट. अबाउट का मतलब है बारे में. अबाउट दिस इंसिडेंट कह लें या एक्सीडेंट कह लें, दोनों सूरतों में सही है. So, you should not have told your family about this incident या accident. दोनों सूरतों में सही है कि आपको इस हादसे के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताना चाहिए था. So, इसी तरह से उसे अकेले वहां नहीं जाना चाहिए था. आप उसे यानी कि उसे एक लड़की को she then should not have वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना. तो जाना की इंग्लिश होती है गो, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन. शी शुड नॉट हैव गॉन. कहां जाना चाहिए था? वहां. तो वहां की इंग्लिश है देयर. शी शुड नॉट हैव गॉन देयर. अकेले अलोन. सो शी शुड नॉट हैव गॉन देयर अलोन. तो स्टूडेंट्स, अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर अगर हम डिफरेंस देखें तो सिर्फ नॉट का डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, आप शुड के बाद नॉट लगा दें पॉजिटिव सेंटेंसेस में तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे. सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी. तो अब हम बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की. इंटरोगेटिव मीन सवालिया जुमले. तो अगर हमें पास्ट में किसी से, पास्ट से रिलेटिंग कोई मशवरा लेना है या कोई नसीहत लेनी है, तो उसके लिए हम सेंटेंसेस किस तरह से बनाएंगे, वो बहुत ही सिंपल और इजी तरीका कार है, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको बताया हुआ है कि अगर आपको किसी मॉडल या किसी टेंस का नेगेटिव बनाना आता है तो उसका इंट्रोगेटिव बनाना कोई बड़ी बात नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अब उसके लिए आपने करना ये है कि जिस भी वर्ड के बाद आपने नॉट का लफ्ज नेगेटिव में यूज किया था, बस उस लफ्ज को उठा के जुमले के शुरू में लगा देने तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा. जैसे कि यहां पर हमने जो नॉट लगाया वो किसके बाद लगाया? शुड के बाद नॉट लगाया. तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, जब हम इसका सवालिया बनाएंगे या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, देन वी विल टेक दिस शुड एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इट वुड बी कन्वर्टेड इंटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो चले आए देखते हैं स्टूडेंट्स. इंटरगेटिव सेंटेंसेस बनाने के जो स्ट्रक्चर है वो है शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव
plus third form of the verb and plus object and in question mark. So हमने किया सिर्फ इतना है कि यहाँ पहले शुड यहाँ पे आता था, तो यहाँ से उठा के हमने इसको यहाँ पे ले आए. क्यों लेके आए? क्योंकि हमने जब नेगेटिव बनाया था तो शुड के बाद नॉट लगाया था, इसलिए हमने शुड को उठा के जुमले के शुरू में लगा दिया. तो चले हम इसकी एग्जांपल्स को बना के देखते हैं. सो क्या मुझे इस कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए था? सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुड, देन सब्जेक्ट कौन है? मुझे, यानी कि मुझे दाखिला लेना चाहिए था. तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं. तो मैं की इंग्लिश क्या है? आई. शुड आई, क्या मुझे? Should I have? यहां पे देखना है कि थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब क्या है यहां पे? दाखला लेना. तो दाखला लेना की इंग्लिश होती है टेक एडमिशन. अब टेक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो है टेकन. सो शुड आई हैव टेकन एडमिशन? शुड आई हैव टेकन एडमिशन? क्या मुझे दाखला लेना चाहिए था इस कॉलेज में? इन दिस कॉलेज. सो शुड आई हैव टेकन एडमिशन इन दिस कॉलेज? क्या मुझे इस कॉलेज में दाखला लेना चाहिए था? इसी तरह से क्या हमें उसे इस बारे में बताना चाहिए था? सो फर्स्ट ऑफ ऑल should, then subject कौन है? हमें, यानी कि हम subject हैं. should we, then have, should we have, third form of the verb. अब यहां पर काम कौन सा है? बताना. verb क्या है? बताना. तो बताना की इंग्लिश होती है tell और इसकी थर्ड फॉर्म है told. should we have told? किसे बताना है? उसे, यानी कि वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है. अगर वो लड़का है तो him, अगर वो लड़की है तो her. Should we have told her या him? अब अगर लड़की है तो her, अगर लड़का है तो him. So should we have told him? इस बारे में about this. Should we have told him or her about this? क्या हमें उसे इस बारे में बताना चाहिए था? इसी तरह से क्या सोहेल को इंग्लिश सीखनी चाहिए थी? फर्स्ट ऑफ ऑल शुड, देन सोहेल. शुड सोहेल, आगे हैव, थर्ड फॉर्म सीखना. सीखना की इंग्लिश होती है लर्न और इसकी थर्ड फॉर्म होती है लर्नड. शुड सोहेल हैव लर्नड? क्या सीखने की बात हो रही है? इंग्लिश. So, should Sohail have learnt English? क्या सोहेल को इंग्लिश सीखनी चाहिए थी? लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, क्या आपको नया कारोबार शुरू करना चाहिए था? So, should, then, subject कौन है यहां पे? आप. should you, then have, after that third form of the verb. शुरू करना, काम यहां पर क्या है? वर्ब क्या है यहां पे? शुरू करना. सो शुरू करना की इंग्लिश होती है स्टार्ट और इसकी थर्ड फॉर्म है स्टार्टेड. सो शुड यू हैव स्टार्टेड? शुड यू हैव स्टार्टेड? क्या शुरू करने की बात हो रही है? नया कारोबार, न्यू बिजनेस. सो शुड यू हैव स्टार्टेड न्यू बिजनेस? क्या आपको नया कारोबार शुरू करना चाहिए था? सो स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा तरीकाकार है इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का. सो आई होप सो आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों टाइप के सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी. अब हम ज़रा तीनों सेंटेंसेस को इकट्ठे लिख के देखते हैं कि आया कि तीनों में डिफरेंस क्या आ रहा है. तो चले आए ज़रा पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं. स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए था.
राइट, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। जब हम इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वह हमारा ये सेंटेंस बनेगा, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। तो अब अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखें तो इसमें आपको सिर्फ नॉट का डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है, बाकी सेम एज इट इज़। जिस तरह की ऊपर की स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट नीचे भी है, फ़र्क सिर्फ इतना आया कि शुड और हैव के दरमियान में नॉट आ गया है। अब इसका अगर हम सवाल बनाते हैं तो सवाल में हम क्या करेंगे, शुड को चूंकि उठा के शुरू में ले आएंगे तो ये शुड यहाँ पे जब आ जाएगा तो ये जुमला ये बन जाएगा, शुड यू हैव गॉन देयर। तो यहाँ पर देखें इंटरगेटिव वही बना हुआ है कि शुड यू हैव गॉन देयर। तो स्टूडेंट्स ये छोटे छोटे डिफरेंस हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर आप इन छोटे छोटे डिफरेंसेस को समझ लेते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को इंटरगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक फार्मूला याद रखें कि अगर किसी जुमले के अंदर, यानी कि अगर किसी पॉजिटिव जुमले के अंदर आपके पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद हैं तो आपने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है तो वो नेगेटिव बन जाएगा। और जब इसी को आपने इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो आपने करना ये है कि उस लफ्ज़ को उठा के जुमले के शुरू में ले आना है जिसके बाद हमने नॉट लगाया था। बस सिंपल सा फार्मूला है। सो आई होप सो स्टूडेंट्स शुड हैव मॉडल आपको क्लियर हो गया होगा। तो अपनी बात को यहीं पे आज ख़त्म करते हैं, आज की क्लास को फिनिश करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट अगली क्लास के साथ हाज़िर होंगे। लेकिन अब नेक्स्ट अगली क्लास में हम कुछ और इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस की, यानी कि इसमें हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। बहरहाल तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों के साथ अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह नेकबान।